मंदसौर पुलिस ने 23 फरवरी को एक होमगार्ड सैनिक की सनसनीखेज हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा किया है। होमगार्ड सैनिक की हत्या और किसी ने नहीं बल्कि सैनिक की पत्नी और बेटे ने ही की थी। पुलिस ने होमगार्ड सैनिक की पत्नी और बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि भावगढ़ थाना क्षेत्र के मजेसरी गांव में एक खेत में होमगार्ड जवान राकेश उर्फ राम प्रकाश की खून से लथपथ लाश मिली थी। पुलिस ने इस लाश को पहले तो पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी। होमगार्ड जवान की हत्या के बारे में लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही थी तो और बयान दर्ज किए जा रहे थे। पुलिस को शक हुआ कि इनके घर में ही विरोधाभासी बयान दर्ज हो रहे हैं, जिसके चलते जब सख्ती से पूछताछ की गई तो वहां उनकी पत्नी और बेटे ने ही पूरे मामले के राज खोलने शुरू कर दिए। उन्होंने बताया कि मेरी माँ देव बाई और मैंने मिलकर शराब के नशे में गोलियां मिलाई थी, फिर चाकुओं से वार किया था, लाश को फेंक दिया था और हत्या के पीछे जो कारण सामने आया है वह मृतक होमगार्ड जवान राकेश उर्फ राम प्रकाश के बेटे की जो पत्नी है उसके साथ में अवैध संबंध थे, जिसके चलते दोनों माँ बेटे ने होमगार्ड जवान की हत्या कर दी थी। घटना के दिन होमगार्ड जवान की बहू मायके गई हुई थी। भावगढ़ थाने में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश मिली है उसके खेत में। जो व्यक्ति राकेश राम प्रकाश भील लगभग 45 वर्ष का व्यक्ति था, ये होमगार्ड नीमच में कार्यरत था। इसकी जब लाश मिली तो इसका गले को चाकू से रेत कर निशान थे। घटनास्थल पर वरिष्ठ अधिकारी सब पहुंचे, FSL की टीम पहुंची और तत्काल तफ्तीश, मर्डर का मामला था। जो तथ्य सामने आए चौंकाने वाले थे, लगातार इसे पूछताछ की और पुलिस के सभी अधिकारियों ने लगातार पूछताछ करते हुए उसमें खुलासा किया। उसमें यह पता चला कि यह एक पारिवारिक मामला ही निकला। इसमें मृतक के अवैध संबंध अपने बहू से रहे हुए, तो इसको लेकर के जब परिवार में बात पता चली तो काफ़ी लड़ाइयाँ परिवार में हुई और लगातार जो मृतक है वो भी दारू पीता था। घटना की एक रात पूर्व ही परिवार में काफ़ी लड़ाई झगड़े उसकी पत्नी से और लड़का विक्रम है जो आरोपी है उनसे हुई थी। बहू भी दो दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी। तो इस बात को लेकर के जब 22 तारीख को इनके बीच में लड़ाई हुई तो रात में ही इनके द्वारा जो पत्नी है मृतक की वो और जो लड़का विक्रम है इन दोनों के द्वारा षड्यंत्र बनाया गया कि अगले दिन सुबह इसको जहर दे के मार दिया जाए। अर्ली मॉर्निंग इनके द्वारा मृतक को जहर दिया गया और बाइक पर बैठा करके उसको खेत पर लाश फेंकने के हिसाब से पहुंचे। जब मृतक पूरी तरह नहीं मरा तो गले को चाकू से इनके द्वारा रेत करके हत्या कार्य की। दोनों जो अपराधी हैं, एक तो देवबाई जो मृतक की पत्नी है और विक्रम जो मृतक का लड़का है।